हेलो गाइस एंड वैसेस, मैं सूरज कुमार और मैंने देखी पैन इंडिया फिल्म जिसका नाम है शकुंतलम, स्टारिंग समंता एंड देव मोहन। अब देखो, ये एक माइथोलॉजिकल फिल्म है जहां पर शकुंतला एंड दुष्यंत की प्रेम कहानी देखने मिलती है और इन्हीं के बीच हमारे भगवानों की भी कहानी सुनाई गई है, तो ये सारी चीज़ें इस फिल्म में नज़र आते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि ये फिल्म इतनी पवित्रता से बनाया गया कि हर एक फ्रेम चमकीला लगता है। इतना रंगीन और मंत्रमुग्ध कर दे ऐसा प्यारा विजुअल्स है इस फिल्म के। यार ये फिल्म 3D में, ये तो मेरे को तब पता चला जब मैं थिएटर गया और नीचे का सीट मेरे को 250 रुपए में मिला, तब जाकर मेरे को मालूम पड़ा। अब मैं सबसे पहले समंता की बात करता हूं। देखो, समंता का काम इतना प्यारा है कि ऐसा मन कर रहा था कि उनको देखते ही रहूं। इनफैक्ट भाई, मैं समंता के लिए तो 10,000 का टिकट लेने भी तैयार हूं, क्योंकि उतना तो इस वीडियो से निकल भी जाएगा। सॉरी। अब देखो, समंता अपने को पर्सनली बहुत पसंद है। एक साल से जो उन पे बीत रही है, जो बीमारी को वो फेस कर रही है एंड जिस हिसाब से वो फाइट कर रही है, हेड्स ऑफ, वो बहुत हिम्मत वाली है एंड यार उनका कोई जवाब नहीं। आज जब मैं इस फिल्म में उनकी रौनक को देखता हूँ ना भाई, हर बार तो मेरे मन से आई लव यू निकल जा रहा था, क्योंकि यार शी इज सच ब्यूटीफुल एंड क्या ही आर्टिस्ट है, क्या ही एक्टर है वो। अब देखो यार, ये काइंड ऑफ फिल्में हर किसी के लिए नहीं, लेकिन यार हर किसी को देखनी चाहिए, क्योंकि यार ये बहुत ही अनोखी होती है एंड इसको बनाना बहुत टफ होता है। अब अगर मैं शकुंतलम इस फिल्म को एक लाइन में रिव्यू करूँ तो इतना ही कहूँगा कि इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म। फिल्म की स्टोरी एंगेजिंग है, मेकिंग ब्यूटीफुल है एंड सिनेमाटोग्राफी तो इतनी मधुर है कि आपको प्यार हो ही जाएगा। हाँ, कहीं कहीं CGI थोड़ा चाइल्डिश लगती है, गड़बड़ से लगती है, उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। एडिटिंग भी ऐसा लगता है कि भाई पावर डायरेक्टर ऐप से की गई है, वो इजिली नोटिस होती है कि भाई बहुत ही बचकाना लग रहा है, बट ओवरऑल काफी अच्छा दृश्य देखने मिल जाता है। अब परफॉर्मेंस की बात करूं तो यार समंता का काम इतना प्यारा था कि भाई थिएटर का पर्दा खुद खेल उठ गया था। इनफैक्ट उनकी खुद की हिंदी डबिंग भी बहुत ही क्लास थी एंड देव मोहन का भी काम अच्छा था, लेकिन चार चांद तो तब लग जाती है जब अल्लू अर्जुन की बेटी का कैमियो नजर आता है सेकेंड हाफ में एंड उसको देख कर आप बोल दोगे वाव। वो इस फिल्म का सबसे क्यूट पोर्शन था, मैजिकल पोर्शन था। इनफैक्ट फिल्म के कुछ कुछ सीन्स भी काफी प्यारे हैं, जैसे समंता का जानवरों से बात करना, जानवरों को इंसान की भावनाएं समझ में आना, वो सारे एकदम बेस्ट पार्ट थे। इनफैक्ट गाने भी ठीक है, डायलॉग्स भी ठीक है, बट ओवरऑल शकुंतलम इज अ फिल्म जिसकी एक्सपीरियंस आप सिर्फ और सिर्फ थिएटर में एंजॉय कर सकते हैं। हाँ, फिल्म थोड़ी लेंदी है बट निराश करते हुए कतई नजर नहीं आती। मैं इस फिल्म को दूंगा 3 out of 5 stars। आप जाकर थिएटर में जरूर देखना, हिंदी में आएगी। बट सबसे बेस्ट तो मेरे को वो लगा जहां पर समंता डांस करती है, सॉरी, लेकिन वो डांस तो भाई साहब, आप देखो, आप थिएटर में शिवर करके बोले कितना प्यारा नाच रही है वो। सो भाई साहब, समंता के लिए तो मैं एक और बार ये फिल्म देख लूं, मेरे को तो मजा आ गया भाई। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, गॉड ब्लेस ऑल एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा रहे तो प्लीज सब्सक्राइब करना भाई साहब, इतना तो भाव मत खाओ यार, मत खाओ, प्लीज सब्सक्राइब करो। बाय।